नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग। हेयर को लेके आप हमेशा चिंतित रहते हैं और इन्हीं आपके सुंदर प्यारे बालों के लिए जो आप रखना चाहते हैं उसके लिए मैं मिनरल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मिनरल्स मीन्स लवण, हिंदी में अपन बोलते हैं, जैसे मोटी भाषा में आपको समझ में आएगा कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, इनके नाम आपने सुने होंगे। और स्पेशली अभी कोविड एरा में आप सभी रहे हो और उस दौरान जिंकोविट कैप्सूल बहुत फेमस हुआ था, हर व्यक्ति जिंकोविट चाहता था, उसमें जिंक हाई कंसेंट्रेशन में होता था। तो ये कौन से मिनरल्स हैं, किन किन में पाए जाते हैं और आपके बालों के लिए कैसे लाभकारी हैं और आपको इनको लेने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए या इनकी डेफिशिएंसी ना हो इसके लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए। लेट अस टेक वन बाय वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयरन। आयरन अत्यधिक आवश्यक है आपके कंप्लीट हेल्थ के लिए, बाल, आपका हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, आपकी बोन्स में। लेकिन बालों के गिरने का स्पेशली महिलाओं में सबसे कॉमन कारण है फेरेटिन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, क्योंकि हेयर फॉलिकल, बालों की जड़ें आयरन स्टोरेज का काम भी करती है और वो आयरन शरीर को सप्लाई करती है। कई बार आपका ब्लड का लेवल आयरन का नॉर्मल आता है लेकिन वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हेयर फॉलिकल ने वो आयरन आपके शरीर को दे दिया, आपके ब्लड में आ गया है, लेकिन हेयर फॉलिकल ने बाल की ग्रोथ को, बाल के बनाने को, बाल के सिंथेसिस को रोक दिया, अरेस्ट कर दिया है, रोक दिया है, रेस्ट कर दिया है। तो दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ बॉडी सप्लाई, हेयर फॉलिकल सफर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। आयरन के सोर्स क्या हैं अपन जानते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो मिलता है और सबसे कॉमन सोर्स गुड़ है, जैगरी है, फिर उसके बाद में ड्रम स्टिक, सुरजना की फली है, इनके अंदर आयरन उपलब्ध रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है मिनरल जिंक। मैंने बताया जिंक का इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है और ये एक तरीके से ट्रेस एलिमेंट के रूप आता है। हेयर की हेल्थ के लिए जिंक भी आवश्यक है। यह जिंक आपको प्रायकर स्पाइनक में मिलता है, पटैटो में मिलता है, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनके अंदर भी आपको मिलता है। इसके अलावा एक और कॉमन चीज में बताऊं, जितने भी फ्रूट जूसेस है, फ्रेश फ्रूट जूसेस, उन सब में सारे मिनरल्स मिलते हैं। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स लाइएगा और फ्रेश जूस निकालिएगा और आपको सारे फ्रूट्स उसके अंदर मिलेंगे, सारे मिनरल्स उसके अंदर मिलेंगे। फिर उसके बाद में आता है कॉपर। कॉपर की प्रायकर डेफिशिएंसी नहीं होती है लेकिन कॉपर की डेफिशिएंसी से कई प्रकार की परेशानियां होती है और इसकी डेफिशिएंसी से वो सारे सिम्टम्स आते हैं जो B12 की डेफिशिएंसी से आते हैं। तो कॉपर की डेफिशिएंसी से फटीग होता है, आदमी थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, पावर मतलब एनर्जी लेवल कम हो जाता है, ये कॉपर की डेफी, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है और फटीग हो जाता है, तो ये सारे कॉपर की डेफिशिएंसी से आते हैं। कॉपर का उपयोग मेनली बाल के लिए मेलानिन फॉर्मेशन है, यदि कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्री मैच्योर ग्रेइंग हो जाती है, मतलब बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं क्योंकि मेलानिन को बनाने के अंदर कॉपर का अत्यधिक उपयोग होता है। आजकल कई कंपनी ने कॉपर पेप्टाइड्स बनाए हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, तो कॉपर पेप्टाइड्स के अंदर कॉपर होता है और उसका उपयोग बालों को एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए या हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, ये हमारे शरीर की मैक्सिमम जो क्रियाविधियां हैं, एक्शंस है, नर्वस सिस्टम के, ब्रेन के, मसल्स के, इन सब के अंदर मैग्नीशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा है जिंक, आयरन, ये बालों को स्ट्रेंथ देते हैं, इसमें शाइनिंग लाते हैं, लस्टर प्रोवाइड करते हैं और मैग्नीशियम हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट, हेयर फॉलिकल को ग्रोथ देता, मींस हेयर फॉर्मेशन को, हेयर सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। दैट इज द रोल ऑफ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी मोस्टली आपका अवेलेबल होता है, सारे फ्रूट जूसेस के अंदर होता है,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, इसके अलावा बनाना के अंदर आपको मिलता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की प्राय का डेफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन जितने भी मल्टी विटामिन्स के कैप्सूल्स आते हैं उनके अंदर आप लिस्ट में दिखेंगे तो मल्टी मिनरल्स भी होते हैं। दे आर गिवन इन द ट्रेस फॉर्म बिकॉज मैनी टाइम्स वी डोंट नो, हम एक पर्टिकुलर चीज या जूसेस लंबे समय से नहीं ले रहे, लंबे समय से के लोग लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, नोइंग अननोइंगली ऐसे हमारे शरीर में इन विटामिन्स की कमी हो सकती है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये हमारी हड्डी के लिए अत्यधिक उपयोगी है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैल्शियम हमारी अधिकांश चीजों में मिलता है, आंवला है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, फिर आपका दूध है उसके अंदर आपको मिलता है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन विटामिन डी पे डिपेंडेंट है। यदि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसका बोन में मिनरलाइजेशन एक क्रिया बोलते हैं जिसको, वो नहीं होगी तो कैल्शियम उपलब्ध है आपकी डाइट में, आंतों में है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। मैं अक्सर जितने भी लोग मेरे पास आते हैं और जो बोलते हैं जिम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, उनको स्पेशली बोलता हूं कि वो अपने ट्रेनर को बोले कि विटामिन डी सबको एसेंशियली दिया जाए, क्योंकि यदि विटामिन डी नहीं लोगे, कैल्शियम आपकी डाइट में होने के बावजूद वो अनुपयोगी रहेगा, यू कांट यूज दैट। सो कैल्शियम इज आल्सो इंपॉर्टेंट, अतः आपको अपने बालों की हेल्थ का ध्यान रखना है तो इन सब चीजों का उपयोग आप रेगुलरली करिएगा। और बालों से संबंधित आपकी जानकारी के लिए मेरे कुछ अन्य जो YouTube से कुछ और वीडियोस हैं उनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।